तो यार ड्रैगन बॉल सुपर मांगा तो खैर बंद है, लेकिन एक महीने के अंदर कुछ बड़ा आने वाला है और शायद आप लोग इस बात से वाकिफ हो गए कि अगले महीने क्या आने वाला है। तो न्यू आर्क शुरू नहीं हुआ है, लेकिन सवाल ये है न्यू आर्क में क्या होगा। एक हिंट हमारे सबके पास है कि न्यू आर्क 99% स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर इन यूनिवर्स के ऊपर बेस्ड है। और जो दूसरा हिंट है वो ये है कि फ्रीजा ने खुद कहा है कि फिलहाल के लिए गोकू और वेजिटा को वो बाद में देखेगा, अभी उसका मकसद कुछ और है। न्यू आर्क का ये भी कंफर्मेशन मैं आपको देना चाहता हूँ। न्यू आर्क छोड़ो, ग्रेनोला के आर्क का ही कंफर्मेशन आपको बता देता हूँ। अगर आप कंफ्यूज हो कि गोकू और वेजिटा जो अभी करंट फॉर्म में है, जो गोकू टूर्नामेंट ऑफ पावर में लास्ट में अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में गया था, फिर गैस से लड़ते वक्त जायंट में बदल गया था, जितने भी अपने पावर लेवल के दरमियान में पीक में गया है, और वेजिटा भी जो आज तक अपनी आखिरी पावर लेवल की लिमिट तक गया है, फ्रीजा उस गोकू के पावर लेवल से और वेजिटा के पावर लेवल से 10 से 20 गुना ज्यादा ऊपर है वक्त के हिसाब से और नई टेक्निक के हिसाब से। ये तो फ्रीजा ने खुद अपनी जबान से बयान किया है कि वो गोकू और वेजिटा से टाइम से भी आगे है और पावर से भी। आप शायद मेटावर्स से अवेयर रहोगे। सोचो अगर आप मेटावर्स के वर्ल्ड को अपने मोबाइल से एक्सपीरियंस कर पाओ, एक एप्लीकेशन यहाँ करके जिसमें मेटावर्स में गेम्स खेल के एक नई चीज एक्सप्लोर कर सकते हो, और यहाँ में आप अपने फ्रेंड्स को भी इनवाइट कर सकते हो, एक्सप्लोर टुगेदर एनीवेयर एनी टाइम, हैव फन वेयरएवर यू आर विद व्हाटएवर डिवाइस यू हैव। और इसमें क्रॉस प्लेटफॉर्म्स हैं, आप मोबाइल से रहो या फिर कोई कंप्यूटर से, लेकिन यहाँ में आप वीआर हेडसेट के साथ अपने फ्रेंड्स के साथ मेटावर्स का फायदा उठा सकते हो। इसमें आप अपना खुद का अवतार क्रिएट कर सकते हो अपने स्टाइल में, और इसमें आपको इंटरेक्शन करने के लिए काफी इमोट्स भी मिल जाते हैं, जिससे आप ज्यादा से ज्यादा उस अवतार को अपने पर्सनालिटी की तरह बना सको। और इस एप्लीकेशन में और भी काफी चीजें हैं, जैसे यहाँ मेटावर्स बाय एवरीवन फॉर एवरीवन, एक्सप्लोर न्यू मेटावर्स गेम्स, एक्सप्लोर द मेटावर्स विद फ्रेंड्स, चैट विद फ्रेंड्स, एक्सप्लोर वर्चुअल स्पेसेस, एक्सप्लोर टुगेदर एनीवेयर एनी टाइम। सो जाओ, अगर मेटावर्स आपको एक्सप्लोर करना है तो यहाँ आपके लिए सबसे बेस्ट एप्लीकेशन है। लिंक आपको डाउनलोड करने का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप लिंक पर क्लिक करके यहाँ को डाउनलोड करके मेटावर्स के वर्ल्ड को एक्सप्लोर कर सकते हो, वो भी अपने दोस्तों के साथ, चाहे आपके पास कंप्यूटर हो या मोबाइल। सो गो एंड डाउनलोड, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। और ये ऑफिशियली टोरियामा ने कंफर्म किया है ब्लैक फ्रीजा के पावर लेवल को लेके, कि आज के वक्त में जहां फ्रीजा है, गोकू और वेजिटा का पीक पावर लेवल उसके आसपास भी नहीं है। फ्रीजा ने गोकू और वेजिटा को जो एक डेमो दिखाया था अपने पावर लेवल का, वो सिर्फ और सिर्फ एक ट्रेलर था, उसकी पूरी पावर का सिर्फ एक कतरा था। तो सोचो आखिर फ्रीजा का 99% क्या होगा। अब आप लोग ये गेस करोगे, तो अगर ऐसा है फ्रीजा ये लेवल पर है और गोकू उसके नीचे के लेवल में है, लेकिन फिर भी गोकू ने जब बीरस से फाइट किया था तो ने कह दिया था कि बीरस ने अपना इतना परसेंटेज लड़ते वक्त यूज किया, और गोकू ने ये भी ब्रॉली को कहा था कि ब्रॉली तुम बीरस के पावर लेवल से काफी ऊपर थे। तो यही एग्जांपल को जहन में रखते हुए क्या फ्रीजा ये पावर लेवल के साथ हिम्मत करेगा बीरस के साथ भिड़ने की। देखो एक बात मैंने शायद आपको पहले बताया था कि गोकू और वेजिटा अभी बीरस के बारे में कुछ नहीं जानते, लेकिन फ्रीजा गोकू और वेजिटा से पहले का शख्स है और वो बखूबी जानता है बीरस कौन है। तो वो बीरस को इन्वेट करने से पहले 10 बार सोचे। लेकिन एक थियरी है कि हाँ फ्रीजा का टारगेट जो है वो बीरस है, लेकिन इस पे देखो शक ये है, अगर ऐसा होता है तो बेशक वीस भी एक एंजल है। जब वीस गोकू और वेजिटा को लेके जा रहा था तो उसे भी एहसास हो जाता, तब उसे भी एहसास हो जाता कि फ्रीजा सीधा बीरस के पास जा रहा है, लेकिन वीस ने ऐसा कोई चेहरे पर स्ट्रेस नहीं दिखाया, इवन दो वो अवेयर था फ्रीजा को लेके। और हम सब ये जानते हैं कि एंजल्स किसके दिमाग के अंदर क्या चल रहा है वो सब अच्छे से पढ़ सकते हैं और आने वाली हर मुसीबत को सेंस कर सकते हैं, लेकिन वीस ने उस ऐसा कुछ सेंस नहीं किया फ्रीजा को लेकर कि ये ग्रेनोला के प्लेनेट से सीधा जाएगा बीरस के प्लेनेट पर। लेकिन एक और सवाल ये है जो खैर मुझे नहीं समझ में आया कि आखिर प्लेनेट सीरियल पर आने का फ्रीजा का मकसद क्या था। चलो ये ठीक है कि हाँ उसे पता लग गया कि एलेक और गैस उसके पीठ पीछे उसे लेके क्या सोचते हैं, तो उनकी अकड़ को निकालने को फ्रीजा प्लेनेट सीरियल पर आया, लेकिन इन दी एंड उसे मिला क्या ये शायद हम डिटेल में नहीं जानते, और ना ही मांगा में ऐसा कोई पैनल दिखाया गया जहां फ्रीजा ने बताया हो कि वो यहां क्यों आया है। लेकिन हो सकता है ये आगे आने वाले वक्त में रिवील हो कि फ्रीजा ने एलेक से कुछ सवाल पूछे हो जो एलेक ने जूनो से पूछे थे 10 सवाल, उन सवालों का जवाब लेके फ्रीजा निकल गया हो। खैर मेरा ये कहना है
इवन केंजाइरो का भी यही कहना है कि हमें रेडी रहना चाहिए आने वाले न्यू आर्क्स के लिए, लेकिन उसके साथ साथ हमें 2-3 आर्क के अंदर ही ज्यादातर कैरेक्टर्स के भर भर के न्यू फॉर्म मिलने वाले हैं। और गोकू और वेजिटा के लिए अल्ट्रा ईगो और अल्ट्रा इंस्टिंक्ट इनफ नहीं होने वाला, और इतना फास्ट फेज में गोकू और वेजिटा को न्यू फॉर्म दिया जाएगा कि अल्ट्रा इंस्टिंक्ट और अल्ट्रा ईगो फैंडम को 1-2 साल के अंदर ही ऐसा लगेगा कि ये एक वक्त पर कायोकिन जैसा वाला फॉर्म था। मेरी बात का शायद तुमने ध्यान दिया होगा, आई सेड 1-2 साल के अंदर, और गोकू को कायोकिन से लेके अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में देखने में हमें 20 साल लग गए, और अब 1-2 साल के अंदर ड्रैगन बॉल सुपर में गोकू और वेजिटा को 20 साल और आगे कर दिया जाएगा। 20 साल और आगे कर दिया जाएगा पावर लेवल के मामले में, इतना फास्ट फेज में स्टोरी आगे जाने वाली है। और ये मैं कैसे दावा कर रहा हूँ, कुछ तर्क होगा, कुछ वजह होगी। मैं और केंजाइरो इस पे 1-2 महीने पहले डिस्कशन कर रहे थे, उसने ये इशारा भी किया था। इवन अगर तुमने नोटिस किया होगा कि वेजिटा के अल्ट्रा ईगो को कैसे लाया, और एक ही आर्क में एक सुपर पावर के साथ आर्क के आखिरी में उसे सबसे ज्यादा वीकेस्ट पावर दिखा दिया गया। ये इसीलिए क्योंकि उन्हें और मेजर अपग्रेड्स देने हैं गोकू और वेजिटा को, और इसका अलग से रीजन ये भी मिला, सून ड्रैगन बॉल सुपर का एनीमे भी शुरू होने वाला है। तो ये सब न्यू अपग्रेड एक रोड मैप और एक नक्शा तैयार किया जा रहा है, प्लस मर्चेंडाइज वगैरह का इनका सेल्स नीचे गिरते जा रहा है। तो ये कॉल लिया गया है कि एनीमे चालू करो और न्यू फॉर्म को ज्यादा से ज्यादा प्रायोरिटी दो, जिससे सेल्स को वापस से ऊपर किया जा सके। मैं जानता हूँ आप लोग बोलोगे वाह क्या थियरी है, लेकिन ये थियरी नहीं है, ये एक सच है कि कैरेक्टर्स में आप इतना ड्रास्टिक चेंज देखोगे क्यों देख रहे हो, और आने वाले वक्त में क्यों देखोगे, और अल्ट्रा ईगो और अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को क्यों इतना ज्यादा वीक किया जा रहा है। एंड न्यू आर्क में आपको कोई हैरानी नहीं होगी ये देखकर कि वेजिटा को फिर से एक नया फॉर्म दिया जा रहा है अल्ट्रा ईगो के बाद भी। इवन ड्रैगन बॉल सुपर हीरो की मूवी में भी आप लोग ने साफ देखा कि अल्ट्रा ईगो और अल्ट्रा इंस्टिंक्ट गोकू और वेजिटा के लिस्ट में भी नहीं है। तो हाँ, मेरी उम्मीद है आप लोग मेरी बात को समझ गए होगे, और वीडियो को लाइक करोगे, ज्यादा से ज्यादा करोगे जितना कर सकते हो, और चैनल को सब्सक्राइब करोगे यार, और कमेंट करके बताओगे कि आप क्या सोचते हो इस मेजर पावर लेवल अपग्रेड को लेके। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। तो नमस्ते, खुदा हाफिज, सत श्री अकाल एंड गुड बाय।